Our next topic is losses in DC generator. कौन कौन से लॉसेस होते हैं इसमें? ठीक, बाकी सारे मशीन की तरह यहाँ भी आयरन लॉस और कॉपर लॉस ही होता है, बस क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस भी डीसी जनरेटर में है तो मैकेनिकल लॉसेस भी एक्स्ट्रा होंगे, जैसे आपका इंडक्शन मशीन में हुआ था। मैकेनिकल लॉसेस इंडक्शन मशीन में और डीसी मशीन में सेम है। द फर्स्ट लॉस इज, अभी तक ऐड हो रहा है, आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक, किसी भी डीसी जनरेटर में जो बेसिक स्ट्रक्चर आर्मेचर का है, आर्मेचर रेजिस्टेंस और उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है। बाकी फील्ड वाइंडिंग शंट भी हो सकती है और सीरीज भी हो सकती है। सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और शंट वाइंडिंग की करंट बहुत कम होती है, तो मेजर लॉसेस जो है वो आर्मेचर में ही होते हैं यहाँ पे, कि आर्मेचर करेंट इज हायर दैन एनी ऑफ द करेंट, फील्ड करेंट से भी ज्यादा और लोड करेंट से भी ज्यादा होता है। ठीक, दूसरा, अगर आप मैकेनिकल लोड वेरी करेंगे तो आर्मेचर करंट वेरी होगा और ये लॉस जो है ना वो एक वेरिएबल लॉस है। ठीक, तो आर्मेचर कॉपर लॉस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ए वेरिएबल लॉस, या इट इज ए वेरिएबल लॉस सिंस आर्मेचर करंट vary with respect to load. Load के साथ armature current vary करता है। ठीक, the next point, ये जो loss है ना, जो main loss है, ये किसी भी machine पे armature में होने वाला loss है, कि armature current सबसे ज्यादा होती है, तो among all other losses losses, this loss is most prominent. सबसे ज्यादा prominent है ये, सबसे ज्यादा value है इसकी। It is like approximate data लिख सकते हैं, it is 30-40% of total loss at full load. फुल लोड कंडीशन में, जैसे लोड ज्यादा होने का मतलब आपको करंट सप्लाई ज्यादा देना पड़ रहा है, आर्मेचर करंट भी ज्यादा होगा, तो फुल लोड कंडीशन में जब ये आर्मेचर करंट मैक्सिमम है या रेटेड वैल्यू पे है, उस समय ये जो लॉस आर्मेचर का होता है, ये टोटल लॉस का लगभग 30-40% होता है। क्लियर? उसके बाद आप देखिए, आर्मेचर में रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो किया, लॉस हुआ अगेन। नाउ देयर इज फील्ड वाइंडिंग, उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पे भी आपका लॉस होगा। नेक्स्ट लॉस इज फील्ड कॉपर लॉस। ठीक, अगर ये शंट मशीन है तो दिस लॉस इज क्या, शंट मशीन के लिए ISH स्क्वायर RSH। यहाँ पे फील्ड करंट बहुत कम होती है लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वो भी लॉस तो होगा ही। आर, अगर हमारे पास सीरीज मशीन है तो दिस इज ISE स्क्वायर RSE। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है बट ये जो करंट सीरीज करंट कम ज्यादा होती है, तो कुल मिला के दोनों में लॉस होता ही है। लेकिन शंट मशीन में खास बात क्या है, देखिए शंट मशीन में नो लोड से फुल लोड तक, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, सारे ईजी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आर्मेचर करंट, उसके बाद यहां से कनेक्टेड है फील्ड वाइंडिंग,
इज आर एस एच, जाने वाली करंट इज आई एस एच। नो लोड से फुल लोड तक आउटपुट वोल्टेज में केवल 5 से 10% का वेरिएशन होता है एंड आई एस एच इज वी अपॉन आर एस एच। अब क्योंकि लगभग वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट इज आल्सो कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो शंट मशीन में जो फील्ड कॉपर लॉस है इट इज अ कांस्टेंट लॉस। दिस इज फॉर शंट जनरेटर। ठीक, अगर आपके पास सीरीज मशीन है आर ए ईजी, आउटपुट वोल्टेज इसके आस यहीं पे लगा होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर एस सी वी आई, जो लोड करंट है वही सीरीज फील्ड वाइंडिंग की भी करंट है। अगर आप लोड वेरी करेंगे जनरेटर पे लगा आउटपुट इलेक्ट्रिकल लोड पे लगता है, अगर आप लोड को वेरी करेंगे तो ये करंट वेरिएबल हो जाएगी। वेरिएबल होगी तो आप लोड नो लोड से फुल लोड तक जाएंगे तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट जो है वो वेरी करती है। तो इन सीरीज मशीन द फील्ड कॉपर लॉस इज वेरिएबल लॉस। तो सीरीज मशीन में फील्ड कॉपर लॉस है वो वेरिएबल लॉस है। अब ये जो फुल लोड कंडीशन पे जो टोटल लॉसेस है चाहे शंट मशीन में हो या सीरीज मशीन में हो, ठीक, एट फुल लोड दिस लॉस इज 20-30% ऑफ टोटल लॉस। टोटल लॉस का 20-30% होता है। शंट मशीन में जो नो लोड से फुल लोड तक आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन है वो केवल 5-10% होता है। लोड के साथ आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं करता है, लगभग नहीं करता है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए आईएसएच का फॉर्मूला, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो शंट फील्ड वाइंडिंग करंट कांस्टेंट होगी, करंट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो शंट मशीन में जो फील्ड कॉपर लॉस है वो कांस्टेंट लॉस होता है। सीरीज मशीन में जो आईएससी है वो वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू लोड, लोड वैरी करेंगे यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा, जो लोड करंट है वही सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट भी है। तो सीरीज मशीन में जो फील्ड कॉपर लॉस है वो वेरिएबल लॉस है। ठीक, देखिए नोट कर लिया ना शायद आप लोगों ने, आगे चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड लॉस जो हमारा है वो आयरन लॉस। जैसा ट्रांसफार्मर में था जैसा इंडक्शन मशीन में था, आयरन लॉस दो तरह का होता है, एडी करंट लॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू के बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर एंड हिस्टेरिसिस लॉस इट इज के एच या के ई लिख लीजिए इसको बी मैक्स टू द पावर, हम सिलिकॉन स्टील के लिए ले रहे हैं तो 1.6 इंटू एफ इंटू वी। Both of the loss depends on magnetic field या magnetic flux. सर इसमें 20-30% जो है सीरीज के लिए होना ना शंट के लिए भी होना पड़ेगा, दोनों के लिए फुल लोड कंडीशन में दोनों का लॉस लगभग मिले। शंट वाला तो कांस्टेंट है, फुल लोड पे जो सीरीज का लॉस होगा लगभग शंट लॉस के बराबर होगा, 20-30% ऑफ टोटल लॉस है। ठीक है, अच्छा आयरन लॉस हमने देखा अभी डिपेंड करता है फ्लक्स पे, फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड पे। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कहाँ पे, फील्ड करंट से, शंट फील्ड करंट यहाँ पे और सीरीज वाइंडिंग की फील्ड करंट यहाँ पे। आप देख सकते हैं सीरीज वाइंडिंग की फील्ड करंट वेरिएबल है, लोड के साथ वेरी करेगी, जबकि शंट वाइंडिंग की फील्ड करंट लगभग कांस्टेंट है।
ठीक हेलो जी सर, ये जो सन जनरेटर है सर, जी इसमें लोड वेरी करेगा तो सर जो ISH है वो वेरी नहीं होगा इसमें सर? नहीं, सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता आउटपुट वोल्टेज में। ठीक। और वैसे भी मशीन शंट मशीन सेचुरेशन कंडीशन में काम करते हैं, थोड़ा बहुत फील्ड करंट का वेरिएशन होगा तो स्टैटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, ई और IF लगभग कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं जो सीरीज मशीन है ना, सीरीज मशीन में फील्ड करंट इज वेरिएबल, फील्ड करंट वेरिएबल होता है। फील्ड करंट वेरिएबल होने से आयरन लॉसेस आर वेरिएबल। अभी अगर आपके पास शंट मशीन है तो फील्ड करंट इज कांस्टेंट। फील्ड करंट कांस्टेंट होने का मतलब फ्लक्स कांस्टेंट और आयरन लॉसेस आर कांस्टेंट। ठीक। अगेन दीज लॉसेस आर आल्सो ऑल्सो 20 to 30% ऑफ टोटल लॉस। 20 to 30% ऑफ टोटल लॉस एट फुल लोड। ठीक। तो टोटल लॉस अभी तक हमारे पास कितने हो गए, 40% पहले खत्म हो गया, 30 से 40% तक, 20 से 30% और खत्म हो गया, फिर 20 से 30% और खत्म हो गया। 20, 40 प्लस 30 प्लस 30 इज 100। अगर आप गैप माने इसमें जो मार्जिन दिया हुआ है तो लगभग लगभग 10 से 15% का लॉस और बचता है। वो लॉस जो हमारा है इट इज मैकेनिकल लॉस। यहाँ पे सीरीज मशीन हो या शंट मशीन हो, जनरेटर को आप हमेशा एक्सटर्नल सोर्स से रोटेट कराते हैं, और वो भी हमेशा ऐसे सोर्स से रोटेट कराते हैं जिसका स्पीड कांस्टेंट हो। जैसे इंजन हुआ, एसी इंजन हुआ, डीजल इंजन हुआ, कोई भी इंजन हुआ, ठीक है, स्टीम इंजन हुआ, हम लोग मशीन को एक्सटर्नल सोर्स से रोटेट कराते हैं, और ऐसे सोर्स से रोटेट कराते हैं जिसका स्पीड कांस्टेंट हो। हमने देखा था इंडक्शन मशीन में भी मशीन का जो लॉस है वो डिपेंड करता है, मैकेनिकल लॉस मशीन की स्पीड पे। जनरेटर क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से रोटेट हो रहा है इसलिए स्पीड इज कांस्टेंट। जनरेटर अपने आप नहीं घूम रहा है, हम उसे घुमाते हैं और जानबूझ के कांस्टेंट स्पीड से ही घुमाते हैं मशीन में। जनरेटर की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक। यहाँ पे भी जो मैकेनिकल लॉस है वो तीन तरह का होगा, विल बी फ्रिक्शन लॉस और दूसरा विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस दो जगह पे होता है, बेयरिंग फ्रिक्शन और ब्रश फ्रिक्शन। ठीक। अगेन मैकेनिकल लॉस वैसे मेनली मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल डिजाइन का पार्ट है, इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है बस इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कौन सा इम्पोर्टेंट है। जो लॉस है ना, तो अगर W से वाट को या लॉस को रिप्रेजेंट करें तो बियरिंग लॉस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एन। ब्रश के जो फ्रिक्शन में लॉस है इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड जो विंडेज लॉस है, विंडेज लॉस मेरे ख्याल से इंडक्शन मशीन में हम लोगों ने
डिटेल में देखा है, प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। मैकेनिकल लॉस में इससे अधिक हम लोग को नहीं जानना है, नहीं पढ़ना है, ये डिटेल में मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ मशीन में। ठीक है, तो हम लोगों ने एक मिनट और है क्या, नहीं, हम लोगों ने मशीन में लॉसेस देख लिए कौन कौन सी होती हैं। अभी ये देखना बाकी है कि लॉसेस कब होती हैं और कहां कहां पे होती हैं। तो मशीन में होने वाले लॉसेस या उसके पावर कन्वर्जन के स्टेप्स को हम लोग दिखाते हैं पावर फ्लो डायग्राम में। ये इंडक्शन मशीन के लिए भी हम लोगों ने बनाया था, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक, जनरेटर पे इनपुट क्या दिया जाता है, मैकेनिकल पावर। ठीक, तो पहला स्टेप जो हमारे पास पावर का है वो हमारे पास अवेलेबल है क्या, इट इज इनपुट मैकेनिकल पावर। इस स्टेप को सपोज पहला स्टेप हम इसको ए से दिखाते हैं। ठीक, जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो इसमें से पहले मैकेनिकल लॉस होगा फ्रिक्शन विक्शन की वजह से लॉस, प्लस फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तब जाके इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होगा, उसके बाद फ्लक्स से आयरन लॉस भी होता है। अब जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो चुका है, अब रोटेशन भी मैकेनिकल पावर भी हमारे पास है, फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर तो आपको फिर इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होगा, इट इज इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड। जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड होता है वो कहां पे होता है, आर्मेचर पे, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ईबी इंटू आईए या ईजी इंटू आईए। इस स्टेप को हम दिखाएंगे बी से, जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड हुआ है। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होने के बाद आर्मेचर में और फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस होगा, यहां पे फिर लॉस होता है आर्मेचर एंड फील्ड कॉपर लॉस। ठीक, इसको बाद में हमको फाइनल आउटपुट मिलता है लॉस होने के बाद, ईबीआईए जो डेवलप हुआ था उसके बाद आउटपुट पे, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर, इट इज वी इंटू आई। इसको हम स्टेप सी लिख सकते हैं, थर्ड स्टेप। क्लियर, अब यहां पे देखिए दो स्टेप में कन्वर्जन हुआ है, पहला एक एनर्जी कन्वर्जन, दूसरा यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन। ये वाला प्रोसेस मोस्टली मैकेनिकल है, ये वाला प्रोसेस मोस्टली इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे लॉसेस भी मोस्टली मैकेनिकल है, यहाँ पे लॉसेस मोस्टली इलेक्ट्रिकल है। ठीक, मैकेनिकल पावर में से यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर में से लॉस हुआ है। देयरफॉर यहाँ पे तीन तरह की एफिशिएंसी आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड बाय ईटा एम and is equal to B by A. Second one is electrical efficiency. It is eta E equal to C upon P.
So third one is commercial efficiency. ये ईटा ई है, ईटा सी. कमर्शियल मींस फाइनल और इनपुट से मतलब है आपको, अल्टीमेट आउटपुट और फाइनल इनपुट से. नाउ इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. से क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे इफ इन डीसी जनरेटर मैकेनिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू 90% एंड इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी इज इक्वल टू 80%, then what will be the overall of generator? Overall efficiency बोले या commercial efficiency बोले एक ही बात है. What will be the commercial efficiency of generator? Answer बोलिए. हाँ 72% है. यहां से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर हम ईटा एम इंटू ईटा ई करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन क्या होगी, एक सेकंड होल्ड करिएगा. अगर हम मैकेनिकल इफिशियंसी और इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी सी अपॉन ए, इट इज इक्वल टू ईटा सी. तो एक फॉर्मूला हमारे पास है, तो कमर्शियल इफिशियंसी इज फाइनली इक्वल टू ईटा ई इंटू ईटा एम. स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग. अब ईटा सी हमको यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा पर यूनिट में, परसेंट में यह फॉर्मूला नहीं है. इट इज 0.9 इंटू 0.8 विल बी इक्वल टू 0.72. तो परसेंट कमर्शियल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 72%. अब देखिए कंपेयर करने पे पता चल जाएगा आपको, अगर ये तीनों एफिशिएंसी के बारे में पूछा जाए तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी या मिनिमम वैल्यू किसकी होगी. कमर्शियल, हाँ कमर्शियल, ईटा ई और ईटा एम कभी भी वन से ज्यादा नहीं हो सकता, 100% से ऊपर किसी का एफिशिएंसी नहीं होता है. दो और दो वन से छोटे नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू और घटती है. ठीक, तो फॉर एनी डीसी जनरेटर द कमर्शियल इफिशियंसी इज लोएस्ट, इट विल बी लोअर देन ईटा ई, इट विल बी लोअर देन ईटा एम. ये मैक्सिमम जो इफिशियंट मैकेनिकल लॉसेस कम होने की वजह से मैकेनिकल इफिशियंसी जनरली ज्यादा मिलती है इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी से.
इट इज फॉर फुल लोड. यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, मशीन में सबसे पहले जैसे ही मैकेनिकल पावर आपने दिया है वहां से आयरन लॉस हुआ है और मैकेनिकल लॉस हुआ है. ठीक, तो ये जो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस है इनकम कंबाइंड रूम में स्ट्रे लॉसेस भी कहते हैं. इन डीसी मशीन, इन डीसी मशीन द आयरन लॉस, द आयरन एंड मैकेनिकल लॉस आर कलेक्टिवली नोन एज स्ट्रे लॉस. इनको कलेक्टिवली स्ट्रे लॉसेस भी कहते हैं. क्लियर? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर. अब जनरेटर में आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इट इज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर. ये 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं अभी रिकनेक्ट हो रहा हूं आपसे, तब तक आप रिवाइज कर सकते हैं जो भी आपने अभी पढ़ा है. हेलो. अच्छा, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोगों ने देखा था, आपको याद है. बेसिक कंडीशन क्या होती है वहां पे, दो बेसिक कंडीशंस थी. फर्स्ट वाज सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टर्मिनल वोल्टेज. अब तो इनपुट सेम होता है तो फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी. इनपुट सेम होता है ना पैरेलल ऑपरेशन में. पैरेलल ऑपरेशन का मतलब अभी भी वही है, एक बड़ी मशीन की जगह पे एक से अधिक छोटी मशीन्स को पैरेलल में ऑपरेट कराना. क्लियर? तो सपोज हाँ, हमारे पास बस बार है, एक जनरेटर अगर सप्लाई नहीं दे पा रहा है इस कंप्लीट बस बार को, तो हम एक से अधिक जनरेटर यूज करेंगे. ये लगा दिया हमने एक जनरेटर सप्लाई देने के लिए, ये लगा दिया हमने एक जनरेटर
सप्लाई देने के लिए। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यस इलेक्ट्रिकल सप्लाई इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी और जाएगी दोनों बस बार में। ठीक, दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, पोलैरिटी है प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। क्लियर? अब देखिए, अगर ये प्लस माइनस ऐसा है और यहाँ पे माइनस प्लस ऐसा हो गया तो करंट सर्कुलेट हो जाएगी इधर की तरफ। तो दो कंडीशन है हमारे पास कि हम उसको पैरेलल में ऑपरेट करा सकें। पहला कंडीशन है पोलैरिटी मस्ट बी सेम, सेकंड कंडीशन है टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी सेम, टर्मिनल वोल्टेज भी सेम होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास बहुत तरह के डीसी जनरेटर होते हैं, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन हमारे पास जो यूज होता है वो पैरेलल में या आप किसी भी जगह पे आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर, दो ही तरह की फील्ड वाइंडिंग होती है। जो सूटेबल है ना पैरेलल ऑपरेशन के लिए वो डीसी शंट जनरेटर है। यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, कि डीसी सीरीज जनरेटर सुटेबल नहीं है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। क्यों नहीं है मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, आप जरा नोट करिए इसको। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट था पैरेलल ऑपरेशन के लिए, एक नोट है, ड्यू टू फॉलिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ड्यू टू फॉलिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ओनली डीसी शंट जनरेटर इज सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन। जबकि डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर इज not suitable for parallel operation. किसी सीरीज जनरेटर जो है पैरेलल ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है समझने की कोशिश करो। सीरीज के केस में क्या है, अगेन सपोज मेरे पास बस बार है, बस बार, दो डीसी सीरीज जनरेटर हमने सीरीज में लगाए, उसकी सीरीज वाइंड फील्ड वाइंडिंग होगी आर एस सी प्लस यहां पे आर्मेचर का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई जी, अगेन सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर एस सी और यहां पे EG। ठीक, ये आपको करंट सप्लाई दे रहा है सपोज I1, ये आपको करंट सप्लाई दे रहा है I2, टर्मिनल वोल्टेज दोनों का V है। ठीक, टर्मिनल वोल्टेज दोनों का V है और ये मशीन पैरेलल ऑपरेशन में अच्छे से काम कर रही है सपोज कीजिए। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? देखिए, कभी भी प्रैक्टिकल वर्किंग कंडीशन एकदम स्मूथ नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जनरेटर मेरा चल रहा है और मुझे 100 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है कांस्टेंट, एकदम परफेक्ट स्मूथ 100 वोल्ट का वोल्टेज पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे डिस्टरबेंस मशीन में होती रहती हैं। ठीक, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस भी होता है, हार्मोनिक्स भी होता है, कई तरह का डिस्टर्बेंस होता है।
सपोज पत्थर आ गया घूमते हुए उसके रोटर के बीच में, तो स्पीड घट जाएगी, जर्क लगेगा, वाइब्रेशन होगा। अगर आप सही से उस मशीन को रखे हुए नहीं है तो वाइब्रेशन से मशीन भी हिलती है, रोटर हिलता है उसका, फिक्स अगर प्रॉपर क्लैंपिंग नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन वोल्टेज में होता ही है। ठीक, सपोज करिए ये आपका यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज ऐसा है कि आप इसको कनेक्ट कर चुके हैं और ये दोनों के दोनों करंट बाहर की तरफ दे रही है। ऐसे ही किसी डिस्टर्बेंस की वजह से अगर कभी कोई भी एक मशीन का इंड्यूस ईएमएफ घटा किसी ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस, वैसे भी सीरीज मशीन ज्यादातर सैचुरेशन में काम नहीं करती, ड्यू टू एनी रीजन सपोज करिए आपका इंड्यूस ईएमएफ घट जाता है, अगर ये इंड्यूस ईएमएफ घटा तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल नहीं है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, अगर ये वोल्टेज इक्वल नहीं है, ये कम है तो एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी सपोज डेल्टा आई। ठीक, अब जब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी ना तो यहाँ पे करंट बढ़ जाएगी, ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में डेल्टा आई, यहाँ पे ये करंट अपोज करेंगे माइनस डेल्टा आई, आई टू के अपोजिट है डेल्टा आई का वैल्यू। ठीक, तो आप देख सकते हैं मशीन वन, पहले वाले मशीन का फील्ड करंट बढ़ गया है, दूसरे वाले मशीन का फील्ड करंट घट गया है, इसका बढ़ा है फील्ड करंट, इसका फील्ड करंट घटा है। अब जब फील्ड करंट बढ़ेगा ना, फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ और बढ़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ इसका बढ़ता जाएगा, जबकि इधर फील्ड करंट घटा है, फ्लक्स घटेगा, इंड्यूस ईएमएफ और घटेगा। एक मशीन ओवरलोडेड होती चली जाएगी, एक मशीन अंडरलोडेड होती चली जाएगी, एक टाइम आएगा कि ये मशीन जल जाएगी। ठीक, जब ये मशीन जल जाएगी तो टोटल लोड इसके ऊपर आएगा और ये मशीन भी जल जाएगी। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि इस सीरीज जनरेटर हैज राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब लोड बढ़ने के साथ इसका वोल्टेज बढ़ता है, या करंट बढ़ने के साथ साथ इसका वोल्टेज बढ़ता है, जो हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में देख चुके हैं। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, सपोज इन ड्यूरिंग पैरेलल ऑपरेशन ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस वोल्टेज ऑफ वन मशीन डिक्रीजेस, या वन मशीन की जगह हम इसको मशीन वन मशीन टू लिख चुके हैं ना, तो इसको लिख लीजिए सपोज द वोल्टेज ऑफ मशीन टू डिक्रीजेस। ठीक, उससे क्या होगा, ए सर्कुलेटिंग करंट विल अपीयर बिटवीन टू जनरेटर्स। डायग्राम में इसको डेल्टा आई से दिखाया गया है। अब ये सर्कुलेटिंग करंट की वजह से देयरफॉर फील्ड करंट ऑफ मशीन वन इंक्रीजेस एंड मशीन टू डिक्रीजेस। मशीन वन का फील्ड करंट बढ़ेगा, मशीन टू का फील्ड करंट घटेगा। ठीक, अब ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, दिस प्रोसेस goes on until
वन मशीन इज कंप्लीटली डी एक्साइटेड. एक्साइटेड होने का मतलब फील्ड करंट का होना, डी एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट का जीरो हो जाना. एक मशीन कंप्लीटली डी एक्साइटेड हो जाएगी एंड द अदर मशीन कंप्लीटली ओवरलोडेड. दूसरी मशीन है वो कंप्लीटली ओवरलोडेड हो जाएगी. ठीक, तो ये जलने वलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब इसका इलाज क्या है? नेक्स्ट इज, अगर सीरीज जनरेटर को आप पैरेलल में ऑपरेट कराना ही चाहते हैं टू overcome this difficulty, equalizer bar is used. इक्वलाइजर बार कैसे यूज करेंगे आप लोग? जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है ना, आर एस सी वन, अब ये पैरेलल में दूसरे मशीन के साथ ऑपरेट कर रहा है, सीरीज मशीन आर एस सी टू. पीजी पीजी and this is bus bar voltage. ठीक, तो एक जो बस बार कनेक्ट किया जाता है जो फील्ड वाइंडिंग से पहले हमेशा आर्मेचर को शॉर्ट करने के लिए, तो जो सर्कुलेटिंग करंट है वो यहीं पर रह जाए, फील्ड वाइंडिंग में ना जाए, इसलिए हम लोग आर्मेचर बार को सर्कुलेट करते हैं. क्लियर? This is equalizer bar. Normal condition में sir equalizer bar क्या कर लेगा तो? जी नॉर्मल कंडीशन में इक्वलाइजर बार से तो चला जाएगा, फील्ड में जाएगा नहीं कोई सर. क्यों जाएगा? यहाँ का वोल्टेज सेम है, तो क्यों वोल्टेज यहाँ पे करंट फ्लो करेगी नहीं? कोई तो सर ऊपर में फील्ड में कभी जाएगा नहीं. देखिए 100 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज भी 100 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट में जीरो है ना. ओके ओके, हाँ हाँ, करंट फ्लो होगा नहीं नॉर्मल कंडीशन में. सर एक बार ऊपर जाइए ना वो ड्राइंग वाला जो ऊपर वाला ड्राइंग वाला पोर्शन. देखिए हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपका डीसी जनरेटर खत्म हो जाएगा. कहाँ पे? डेल्टा आई वाला, डेल्टा आई वाला. ये डेल्टा आई सर जी, इसका नीचे था. सॉरी यहाँ पे नहीं है सर, इसका थोड़ा ये संट का थोड़ा वो पोलिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक उसको थोड़ा सा बता के देंगे ना, उसको थोड़ा इसकी हो गया. फॉलिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है ना कि लोड बढ़ने के साथ साथ उसका वोल्टेज घटता है, उसी को फॉलिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. जी ठीक.
सर जी सर, ये बस बार और कंडक्टर में सर क्या डिफरेंस होते हैं? बस बार भी कंडक्टर ही होता है, ऐसा कंडक्टर जो नोड पे लगा, जहां पे एक से अधिक करंट आती है तो हम लोग बस बार बोलते हैं। अब इसको करंट सप्लाई करने वाले दो हैं, और जनरेटर होंगे तो और भी होगा, अगर बहुत सारे लोग मिलकर के इस लाइन को सप्लाई करें तो इसको हम लोग बस बार बोलते हैं। टेक्निकली बस बार का वोल्टेज, बस बार का मतलब नोड होता है। अच्छा सर, ये सपोज संट हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं ना सर जी, अच्छा तो साइट में है ना फिल तो ना सर जी। ओके ओके जी, एक न्यूमेरिकल करिए, उसके बाद हम लोग जनरेटर आपका ओवर हो जाएगा, फिर इंट्रोडक्शन देंगे मोटर का, डीसी मोटर। मेरे पास है दो डीसी, हाँ दो डीसी, टू डीसी जनरेटर्स, ए एंड बी हैविंग इक्वलाइजर बार, सप्लाई टोटल लोड करंट ऑफ 500 एम्पीयर, द डाटा ऑफ मशीन्स इज गिवन बिलो। दो मशीन हमारे पास, पोज मशीन ए और मशीन बी, ठीक। इस मशीन का आर्मेचर रेजिस्टेंस है, एक कर लीजिए 0.01, दूसरे का 0.02 ले लीजिए। नेक्स्ट इज सीरीज फील्ड की जो रेजिस्टेंस है, इट इज 0.004 एंड 0.006। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई, इसका वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईजी इज 240 वोल्ट, एस इज 244 वोल्ट। कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आर्मेचर करंट ऑफ ईच जनरेटर, सेकेंड करंट इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग of each generator, third current in equalizer bar, fourth bus bar voltage, इतना कुछ कैलकुलेट करना है आपको। ठीक, आपके उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, आपको फिर कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। प्योर सर्किट थ्योरी है, उसको सर्किट डायग्राम बनाना ही मुश्किल है, बाकी पूरा सर्किट थ्योरी। इक्वलाइजर बार आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट करने में लगता है, तो आर्मेचर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर ए वन, मशीन का आर्मेचर रेजिस्टेंस इज आर ए वन, उसका
induced EMF is EG1, ठीक। दूसरे मशीन का भी RA1 induced EMF EG1, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। आर्मेचर के बाद शॉर्ट होगा बस बार, उसके ऊपर फिर सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग RSE1 RSE2 और ये है फाइनल बस बार। बस बार का वोल्टेज V, बाकी सबकी वैल्यूज दी हुई हैं, RA2 है और ये EG2 है सपोज ना, मशीन ए और बी है ना, बी बी। पहले मशीन का आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना था 0.01, दूसरे मशीन का 0.02, फील्ड का रेजिस्टेंस 0.004, इसका था 0.006 है ना, इसका इंड्यूस वोल्टेज 240 वोल्ट और दिस इज 244। ट्राई करिए, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और एक ही तरह का न्यूमेरिकल ही बनता है इसमें, और कोई न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मतलब पहला ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सर थोड़ा एक बार ऊपर जाइए ना, कहाँ पे सर? सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्टिंग, हाँ क्वेश्चन स्टार्टिंग सर, सेकंड हो गया ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 5 मिनट है आपके पास। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ 5 मिनट के लिए। नेमिंग समझ में आ गया। अब ये सर्किट कुछ कुछ ऐसा है, देखिए इसको अगर रीड्रॉ करें तो दोनों सीरीज फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है, ठीक। उसके बाद दोनों आर्मेचर पैरेलल में है, ऐसा सर्किट है ये। यहां से जो करंट आएगी ना, IA1 प्लस IA2, वही दोनों करंट वापस यहां में डिवाइड होगी, ISE1 ISE2, और वही करंट यहां पे मिलेगी 500 एम्पीयर।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि आई ए वन प्लस आई ए टू विल बी इक्वल टू आई एस ई वन प्लस आई एस ई टू दट इज इक्वल टू 500 एम्पियर, है ना। रेजिस्टेंस कितना था 0.004 और 0.006। आपको टोटल करंट मालूम है, ये करंट पैरेलल पाथ में डिवाइड होगी इस मेज रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में, तो आप करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। ये एक इक्वेशन मिल गया हमको बाय करंट डिवीजन। आई एस ई वन विल बी इक्वल टू टोटल करंट 500 इंटू ऐसी वन, यहां निकलना है अपोजिट रेजिस्टेंस 0.006 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 0.006 प्लस 0.004। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट करिए। एस ई वन विल बी 300 एम्पीयर। आई एस ई वन मिल गया। आई एस ई टू विल बी इक्वल टू 200 एम्पीयर। दोनों फील्ड वाइंडिंग करंट मिल गई। ठीक है, अब ये जो V डैश है ना, ये V डैश कैसे मिलेगा? ये वाला वोल्टेज दोनों सेम है, दोनों का टर्मिनल वोल्टेज सेम है अगर शॉर्ट सर्किटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ में यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ में यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक, तो V डैश कैन बी रिटन एज ई जी वन माइनस आई ए वन आर ए वन, इट इज वी डैश। इज इक्वल टू 240 माइनस आई ए वन इंटू 0.01। ये 0.01 ही था ना, ये 0.02 था, चेक कर लेता हूँ बेटा। 0.01 पहले का 0.01 है, दूसरे का 0.02 है। ठीक, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली फॉर सेकेंड केस देखिए, यहां से भी वी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर सेकेंड जनरेटर वी डैश विल बी इक्वल टू 244 माइनस आई ए टू इंटू 0.02। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, यहां पे क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वी डैश माइनस वी डैश will be equal to 0, is equal to 244 minus 240 will be equal to 4, IA2 minus IA1, take. This with minus sign. IA2 0.02 IA2 minus 0.01 IA1 सकते हैं। तो
दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको मिलेगा 2 IA2 माइनस IA1 इक्वल टू 400। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां से आपके पास एक इक्वेशन है कि IA2 प्लस IA1 इज इक्वल टू 500। ठीक, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं, ये IA1 कैंसिल, 3 IA2 विल बी इक्वल टू 900 ना, IA2 विल बी इक्वल टू 300। ऐसे दोनों किसी में इक्वेशन में पुट कर दीजिए, IA1 200 एम्पियर आएगा। ये फील्ड करंट मिल गई थी आपको और यहां मिल गई आपको आर्मेचर करंट। अब से पूछा क्या क्या था, आर्मेचर करंट ऑफ ईच जनरेटर मिल गया आपको, करंट इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग अभी जनरेटर मिल गया आपको, करंट इन इक्वलाइजर बार अभी निकालते हैं, बस बार वोल्टेज अभी निकालते हैं। देखिए थोड़ा ज्यादा होगा, ISE1 यहां का करंट कितना है, 300 एम्पियर। ISE2 कितना है, 200 एम्पियर। IA1 कितना है, देखिए IA1 कितना आया है, 200 और IA1 200 और IA2 300। IA1 is 200, IA2 is 300 एम्पियर। ठीक, अब किसी पॉइंट पे KCL लगा दीजिए इनमें से कहीं, मैं इस पॉइंट पे KCL लगा रहा हूं ना, कलर थोड़ा सा चेंज, इस पॉइंट पे मैं KCL अप्लाई करता हूं, इधर से कितनी करंट आई, 300, इधर कितनी गई, 200, बाकी करंट कहां जाएगी, इधर 100 एम्पियर। तो करंट इन बस बार इट इज इक्वल टू 100 एम्पियर। अब बस बार का वोल्टेज निकालना है ना, किसी भी तरफ से निकाल लीजिए, किसी भी जनरेटर से, 244 में से जो आर्मेचर में ड्रॉप होगा फिर उसके बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ड्रॉप होगा। लास्ट में जो वोल्टेज बचेगा वो बस बार, इक्वलाइजर बार जी, करंट इन इक्वलाइजर बार 100 एम्पियर। आप KCL लगाइए ना किसी भी जंक्शन पे, नोट पे, IA2 300 है ना, करंट इन बस इक्वलाइजर बार नहीं होगा क्या, 100 एम्पियर, सॉरी सॉरी बस बार नहीं इक्वलाइजर बार, इक्वलाइजर बार में जो करंट है वो 100 एम्पियर, बस बार करंट तो पहले दिया था 500 आपको। हाँ बस बार वोल्टेज वी विल बी इक्वल टू EG2 माइनस IA2 RA2 माइनस ISE2 RSE2। जनरेटर ये मैं किसी भी जनरेटर से निकाल सकता हूँ, मैं सेकंड वाले से निकाल रहा हूँ, इट इज 244 वोल्ट माइनस IA2 कितना है 300, RA2 कितना है 0.02 माइनस ISE कितना है 200
आर एस सी कितना है 0.006। कैलकुलेशन करिए, बस बार वोल्टेज विज 236.8 volt, आई बिलीव सही होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ आ रहा है। सही है क्या? सही होगा। इतने कैलकुलेशन में कैसे प्रॉब्लम हो रही, मैं ही करूं क्या? अभी कितना आया 226 आ रहा है, मैं कर पाते एक मिनट रुपये कैलकुलेटर उठा दीजिए। सही तो आ रहा है सर, 236.8 सही आ रहा है। अब चैट बॉक्स में देखिए, पता नहीं कौन कौन से आंसर आ रहे हैं। किसी का 226 आ रहा है, किसी का 239.2 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। 244 माइनस 300 इंटू 0.02 इज 6 माइनस 200 इंटू 0.006। रेजिस्टेंस 0.006 ही है ना, 0.006 है कि 0.06? 0.006 ही तो था। 244 माइनस 6 236.8। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपका जनरेटर ओवर हो गया है, 10 मिनट बाकी। मुझे लगता है कि मोटर स्टार्ट करना ठीक नहीं रहेगा, मोटर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर जी, सर एक बार वो इक्वलाइजर बार का सर और एक बार बताइए ना, जो डायग्राम में था ना पहले ऊपर वाला में। कौन सा वाला? जो न्यूमेरिकल्स नहीं करने से पहले सर, मैं तो ना आप ऊपर में वो सीरीज मोटर उसका नीचे वाला में। ये सर इसका, हाँ हाँ सर ये वाला। हाँ, हमको प्रॉब्लम क्या है कि सर्कुलेटिंग करंट फील्ड वाइंडिंग में जा रही है तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। फील्ड वाइंडिंग मत जाने दीजिए, अगर डिस्टरबेंस होता है यहाँ पे तो सर्कुलेटिंग करंट यहाँ से आ जाएंगे, फील्ड वाइंडिंग में कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं जाएगा। तो जो फॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक से प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी आपकी। मतलब सर सर्कुलेटिंग करंट को मतलब रुकाने के लिए ये मतलब इक्वलाइजर बार यूज़ कर, सर सर्कुलेटिंग करंट फील्ड वाइंडिंग में ना जाए इसलिए इक्वलाइजर बार भी यूज किया गया। ठीक है सर, और कोई डाउट है किसी को? हेलो, ठीक है, डाउट नहीं है तो मैं आज का सेशन क्लोज कर रहा हूँ। कल हम लोग डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर।